हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल के सभी वीडियोस को मिस किए बिना देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए। कई पुरानी बात है, एक जगह काली मक्खी, हरी मक्खी और अनेक मक्खियाँ रहती थी। सभी मक्खियाँ एक साथ मिलजुल कर रहती थीं। एक और काली मक्खी दूसरी और हरी मक्खी कप्तान का भार संभालते थे। बारिश अधिक होने पर सभी मक्खियाँ बहुत खुश थीं। ऐसे एक साल बहुत अधिक बारिश होने पर सभी मक्खियों ने मिलकर त्योहार मनाया। उसी प्रकार खाद्य पदार्थों की भी कोई कमी न थी। इस तरह बारिश हुई तो हमारी वृद्धि होगी, खाने के सामान भी खूब मिलेंगे, है ना मित्र? हाँ हाँ मित्र, हर बार भगवान की कृपा हो तो हमें एवं हमारे बच्चों को कोई चिंता नहीं होगी। ऐसे परिस्थितियों में इनके शत्रु मकड़ी उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए। किसी भी तरह इन मक्खियों को खत्म करना चाहते थे ये मकड़ियाँ। इन सभी मकड़ियों में राजा बना था एक बड़ा सा मकड़ी। हमारे राजा के मौत का बदला जरूर लेना है, इन मक्खियों को छोड़ना नहीं। समझ में आया कि नहीं? ठीक है राजा। इन मक्खियों को अपने जालों में फंसा कर मार खा रहे हैं। वो कहाँ चिपकर बैठे हैं? देख कर उन्हें खत्म करो, जाओ। ठीक है महाराजा। एक दिन बड़ी मकड़ी मक्खी के बच्चों को खा गई। तब सभी मक्खियाँ गुस्से में उस बड़ी मकड़ी को मार डाले। इसमें मक्खियों की कोई गलती नहीं थी, फिर भी बाकी मकड़ियाँ मक्खियों पर गुस्से से उन्हें मार मार कर खाने लगे। उनके राजा को मारने पर क्रोधित होकर मक्खियाँ जहाँ भी जाती थी वहाँ जाकर जाल बांधते थे। ऐसे जाल में फंसे मक्खियों को मकड़ियाँ खा जाते थे। ऐसे मकड़ियों से परेशान होकर मक्खियाँ बहुत दूर जाने लगे, फिर भी मकड़ियाँ उनका पीछा करना नहीं छोड़ा। ये हम पर शत्रुता बढ़ा रहे हैं। एक मकड़ी को हमने मारा, ये हमारे पूरे वंश को ही नाश करने की सोच रखी है। इस वजह से ही हम कहीं भी रहे तो ढूंढ कर मार डाल रही है। ऐसा ही रहा तो एक दिन मक्खियाँ नहीं रहेंगे। हाँ हाँ, सच कह रहे हो, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। हम न्याय के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन वे अन्याय से हमें मार रहे हैं। ऐसे ही एक दूसरे पर शत्रुता दिखाते जाएंगे तो अंत में कोई नहीं बचेंगे। इसके लिए एक उपाय सोचना पड़ेगा मित्र। न्याय के साथ लड़ने से कोई फायदा नहीं मित्र। एक मकड़ी को हमने मारा, वो भी अपने बच्चों को मारा। इसके बदले में हमारे सारे मक्खियों पर शत्रुता दिखाकर मकड़ियाँ ने मारना शुरू किया, गिनती नहीं उनकी। इसका कुछ उपाय सोचना पड़ेगा। ऐसे दोनों मक्खियाँ बहुत देर तक सोचने लगी। युद्ध के लिए ललकारे तो वे ही जीतेंगे, क्योंकि उनके पास जाला बनाने की शक्ति है। हम उस जाल में फंसेंगे तो बाहर निकलना मुश्किल होगा। मेरी समझ से तो दोनों मिलकर आपस में बातचीत करने से ठीक होगा। गलती हमारी है कहकर क्षमा मांगेंगे, शत्रुता छोड़कर आपस में मिलजुल कर रहेंगे। तू क्या कहता है मित्र? तेरी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन वे मकड़ियाँ अपने ऊपर शत्रुता इतनी बढ़ा ली कि उनकी नस नस तक चढ़ गई। मुझे तो उन मकड़ियों पर भरोसा नहीं है, वे अपने शर्तें नहीं मानेंगे। प्रयास करेंगे, बोलकर देखेंगे, नहीं माने तो कहीं दूर चले जाएंगे। दुष्टों से दूर रहना ही बेहतर है। ऐसे सोचकर वे दोनों मक्खियाँ उस रात निश्चिंत होकर सो गई। इन परिस्थितियों में रहते हुए मक्खियों को एक समस्या परेशान कर रही थी।
दोनों मक्खियों के झुंड में एक काली मक्खी और एक हरी मक्खी दिखाई नहीं दे रहे थे। इस वजह से दोनों मक्खियों के झुंड में बहुत बैर हो गया। एक दिन वे सब अपनी सभा का आयोजन किया। कितना भी मिलजुल कर रहने से ऐसा उच्च नीच का काम करना ठीक नहीं है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ऐसे कामों से बहुत गुस्सा आएगा। किसी को मालूम हुआ तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो फिर मिलजुल कर रहना असंभव है क्या? हाँ, दोनों अलग अलग होकर जीना ही ठीक है। ऐसे सोच उस दिन से दोनों मक्खियों के झुंड अलग होकर रहने लगी। ऐसे स्थिति में दोनों झुंडों की ओर से एक हरी मक्खी और एक काली मक्खी सब में शत्रुता को बढ़ा रही थी। जो मक्खियां नहीं दिख रही थी उनके बारे में प्रतिदिन कुछ ना कुछ बोलकर झुंडों में गुस्से को पैदा कर रही थी ये दो मक्खियां। अनप शनप बातें कहकर दोनों झुंडों में शत्रुता को और बढ़ा रहे थे। इन दोनों मक्खियों के आपस की बैर की वजह से अपने अपने झुंडों में भी बैर पैदा कर रहे थे। ये मक्खियां थोड़ी नाटी थी। जी रहे हो तो हमारी दया की वजह से ही जी रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, तुम ही हमारी दया करुणा की वजह से ही जी रहे हो। फिर हमारी रंग सुंदर है, तुम्हारी रंग काली है। तुम हमसे किस में अव्वल हो, किसी में भी नहीं हो। तो फिर ठीक है, वह भी देख लेंगे। तुम्हारी ताकत ज्यादा है या हमारी? ठीक है, देख लेंगे। ऐसे कहते हुए दोनों मक्खियां वहां से उड़ गईं। इस तरह दोनों नाटी मक्खियां अपने जातियों के बीच बड़ा सा युद्ध कर दिया। इसमें काफी सारी मक्खियां मर चुकी थीं। युद्ध की समाप्ति के बाद दोनों जातियों के मक्खियों के बीच बहुत बैर हो गया। अनप शनप बातों को सुन युद्ध में अपने प्राण खोकर दोनों जातियों के मक्खियां अलग अलग से रहने लगी। ऐसे परिस्थितियों में उनके शत्रु मकड़ियां भी जाल बुनकर ये मक्खियों को मारने लगे। ऐसे मक्खियां अपने बीच एकता ना रखकर मकड़ियों को आहार बनकर अपना प्राण खोने लगे। ऐसे हो रहे नष्ट को देखकर दोनों जातियों के ओर से दो बड़े मक्खियां अच्छी तरह से सोचकर ऐसे कहने लगे। किस किस की बातें सुन हम आपस में लड़ रहे हैं। दूसरों को भी इसका फायदा उठाने का अवसर दिए है। हाँ, तू ठीक कहा मित्र। एक की गलती की वजह से हम आपस में लड़ना ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। लड़ लड़ कर एक दूसरे की जान लेना बिल्कुल ठीक नहीं है मित्र। फिर इन सब झगड़ों की जड़ कौन होगा? और कौन, हमारी ओर से एक नाटी मक्खी, उसी तरह तुम्हारी ओर से भी एक काली नाटी मक्खी है। वे दोनों ही इधर की बात उधर, उधर की बात इधर बड़ा चढ़ा कर बोलकर सबके बीच झगड़ा शुरू करवा दी। मुझे समझ में आया। इस तरह यहाँ झगड़ा चल रहा तो दूसरी तरफ मकड़िया की भी वार शुरू हो गई। इस तरह हम सब अलग होकर मकड़ियों को भी लाभ पहुंचा रहे हैं। इस समस्या का हल तुरंत ढूंढना चाहिए। पहले की तरह हम सब मिलजुल कर रहना ही बेहतर है। हाँ मित्र, पहले हम उन दोनों नाटी मक्खियों को सबक सिखाना पड़ेगा। हाँ मित्र, पहले इन्हें सबक सिखाकर बाद में उन मकड़ियों से क्षमा मांगकर जान की भीख मांगेंगे। किसी की कही बातें सुन हम आपस में लड़ना ठीक नहीं है। इस समस्या का हल तुरंत ढूंढकर उसे लागू करने में ही हमारी भलाई है मित्र। ऐसे सोचकर उस दिन शाम को सभी मक्खियां मिलकर अपनी सभा का आयोजन किया। मगर उस सभा में दोनों जातियों की ओर से ये दो नाटी मक्खियां मिलजुल कर रहने की बात को नकारा। अलग होने के बाद फिर से मिलना कितनी शर्म की बात है, यह हमारी जाति का ही अपमान है। इस तरह दोनों नाटी मक्खियां उस सभा में धूम मचा दी। फिर भी उनकी बातों को ना सुनकर बाकी की बड़े मक्खियां सभा में मिलजुल कर रहने की बात को घोषित किया। यह बात सुन दोनों नाटी मक्खियां अंदर ही अंदर भड़कने लगी।
किसी भी तरह इन्हें रोकने के उपाय सोच रही थी। इस तरह एक दिन दोनों बड़ी मक्खियां मिलकर मकड़ी के राजा के पास गई, जाकर उन्हें नमस्कार किया। मकड़ी राजा मक्खियों को देख पहले क्रोधित हुआ, मगर उनकी सभ्यता को देख शांत हो गया। मक्खियों की बातों को सुन मकड़ी थोड़ी देर सोचने लगा, फिर उनकी प्रस्तावना को स्वीकार किया। उस दिन से मकड़ियां और मक्खियां मिलजुल कर रहने लगी। मगर इस बात से नाखुश होकर ये दोनों नाटी मक्खियां गुस्से से आग बबूला हो उठी। ऐसे में एक दिन दोनों नाटी मक्खियों के बीच बैर बढ़ गया। दोनों में कौन बड़ा है, इस बात पर बहस छिड़ गई। इस बहस को परिष्कार करने के लिए दोनों मिलकर मकड़ी राजा के पास गए। ये बात जानने के लिए तुम दोनों मेरे पास आओ। मकड़ी की बातें सुन दोनों बिना सोचे जाल में मकड़ी के पास जाकर बैठे। फौरन जाल में फंस गए। मकड़ी दोनों को अपने हाथों में लेकर, सब मिलकर रहेंगे कहने पर तुम दोनों सबके बीच फूट डाल रहे हो, इसलिए तुम दोनों मर जाने ही अच्छा है। ऐसे कहकर मकड़ी दोनों मक्खियों को खा गई।